नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशि फल के बारे में, वीकली राशि फल के बारे में, जो कि 24 जून से 30 जून 2019 के लिए होगा। दोस्तों, ये जो साप्ताहिक राशि फल है, ये वृश्चिक राशि के जातकों के लिए होगा। सबसे पहले तो आपसे एक बात शेयर कर दूं, जो अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे शेयर करता हूं, वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार यदि आपको ग्रहों के गोचरों की ही गणना करनी है तो चंद्र कुंडली के आधार पर की जानी चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो ये राशिफल होते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की ही गणना होती है, चाहे आप कहीं पर भी देखें, कहीं पर भी सुने, कहीं पर भी पढ़ें, ये सामान्य स्तर पर होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये जो सप्ताह है वो कैसा जाने वाला है। सबसे पहले नौकरी और व्यवसाय की यदि यहाँ पर हम चर्चा कर लें तो नौकरी और व्यवसाय में समय अच्छा रहेगा, अच्छा रहने वाला है। आप यदि प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, हो सकता है कि डीले हो इस चीज़ में। आप यदि अप्रिसिएशन किसी प्रकार का चाहते हैं तो हो सकता है डीले हो, देरी हो, लेकिन आने वाले वक्त में ज़रूर से आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। हाँ, मेहनत ज़्यादा कीजिए। व्यवसाय भी यदि आप करते हैं तो आपको ये लग सकता है कि यार मैं बहुत समय से फिजूल की मेहनत किए जा रहा हूँ लेकिन बदले में मुझे उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं, चाहे आप नौकरी करें चाहे व्यवसाय करें, आपको केवल मेहनत करनी है और समय के साथ साथ आप सफल भी हो जाएंगे। इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। चिंता तनाव से निकलने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो वक्त है ये आपको चिंता और तनाव में ज्यादा डालेगा। आने वाले वक्त को लेकर के ये तनाव ग्रस्त आपको करेगा कि यार आज मुझे बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहे, आने वाले वक्त में और खराब रिटर्न मिलेंगे तो फिर मेरा क्या होगा। तो इस तरह की स्थितियां, इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में घूम सकते हैं जिनको आपको निकालना चाहिए और चिंता तनाव से निकल जाएगी, क्योंकि आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए। यदि आप स्टूडेंट भी हैं तो भी मैं यही बात आपसे कहने वाला हूं कि आप जो है वो मेहनत ज़्यादा करेंगे। हो सकता है आपकी एग्ज़ाम थोड़ी दूर हो लेकिन अभी से आप चिंता में आ जाए, अभी से आप तनाव में आ जाए कि यार उस दिन पता नहीं क्या होगा, क्या मैं उत्तीर्ण होऊंगा कि नहीं होऊंगा। देखिए, आप उत्तीर्ण हो जाएंगे, आप बिल्कुल पूरी तरह से सफल हो जाएंगे, लेकिन आप आज के वक्त को ख़राब ना करें, आप चिंता में न रहें, तनाव में न रहें, क्योंकि चिंता तनाव आपका ये समय जो है, ये सप्ताह जो है ख़राब कर सकते। तो अपने आप को चिंता तनाव से निकालिए। बाकी चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट, समय आपके लिए अच्छा है। यदि स्वास्थ्य की बात कर लें तो फिर वही बात कि मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चिंता, तनाव या एंजाइटी जैसी स्थिति आपको परेशान कर सकती है, कहीं ना कहीं चीड़ या गुस्सा भी आपको यहां पर परेशान कर सकता है। हालांकि शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, बढ़ा चढ़ा रहेगा, शारीरिक तौर पर आपको कोई दिक्कत नहीं है प्रभु की कृपा से। साथ ही साथ यदि पारिवारिक स्थिति की बात कर लें तो परिवार भी आपको यहाँ पर साथ देगा, सहयोग आपका बिल्कुल करेगा। आप किसी भी चीज़ को लेकर के चिंता में, तनाव में हैं तो परिवार, पारिवारिक जन जो है उनका भरपूर आपको सहयोग यहाँ पर मिलने वाला है। तो देखिए, परिवार भी साथ में है, मैं कह रहा हूँ आने वाला समय भी अच्छा है, तो फिजूल की चिंताओं से आपको यहाँ पर निकलना चाहिए। यदि हम बात करें आपके धन की, तो भाई फिलहाल के लिए रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए। रिस्की इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर मार्केट में निवेश कर दिया या भूमि में निवेश कर दिया, तो फिलहाल इस रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। साथ ही साथ किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए, अदरवाइज फिर ज़्यादा चिंता में फंस जाएंगे, क्योंकि पैसा वापस जल्दी नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा आएगा ही नहीं, लेकिन आपने 10 दिन के लिए दिया है तो हो सकता है पैसा 1 महीने में आए, तो फिर चिंताएँ बढ़ेंगी। तो किसी को पैसा उधार आप ना दें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा इस सप्ताह के लिए। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम प्रसंग भी आपको कोई बहुत उत्साह नहीं देने वाला, बहुत खुशी नहीं देने वाला। हो सकता है कि आपको प्रेम प्रसंग में परिवार का सहयोग ना मिले, या प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहते हैं तो उसमें परिवार का किसी प्रकार का सहयोग आपको ना मिले, जो कि आपको यहाँ पर चिंता तनाव में डाल सकता है। तो देखिए, बार बार क्या बात निकल के आ रही है, बार 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 बात ये निकल के आ रही है कि आपको चिंता तनाव हो सकते हैं। प्रेम प्रसंग को यदि हम यहाँ पर छोड़ देते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। समय में कोई मैंने यहाँ पर खराबी नहीं बताई, चाहे आप नौकरी करें, चाहे व्यवसाय करें, चाहे स्टूडेंट हो। केवल इस बात का ध्यान रखिए कि आपको चिंता तनाव से निकलना है। अभी कैसे निकलेंगे, कई बार चिंता तनाव से निकलना हमारे बस में नहीं होता। मेरा हमेशा ये कहना होता है कि भाई मानसिक दृष्टिकोण से आप परेशान हैं तो आप मेडिटेशन करें,
मेडिटेशन करें जिससे आपको चिंता तनाव से निकलने में तो मदद मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको एक उत्साह, एक नया उत्साह भी मिलेगा जिससे आप और ज़्यादा आगे भी बढ़ सकते हैं और ज़्यादा सफल भी हो सकते हैं। तो आज की स्थिति को तो ठीक कर सकते हैं, आने वाले कल को और बेहतर भी मेडिटेशन के द्वारा बनाया जा सकता है। और फिर से स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो। तो मेडिटेशन करने का प्रयास करें इस सप्ताह के लिए, ये आपके लिए एक सूत्र होगा मेरा इस सप्ताह। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।